हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में नाउन के रिलेटेड स्टडी किया था, व्हाट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड ऑल। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो भी हमारे ग्रुप होते हैं कॉमन नाउन के, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव। अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारी कीज है, तो उन कीज को हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज। तो जो बंच है वो हमारा क्या है, कलेक्शन है। हमने बहुत सारी चीजों का जो कलेक्शन किया है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ मोर कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो भी ग्रुप है कॉमन नाउन के रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ क्राउड ऑफ पीपल। जो हम लोग जैसे कि एक दो लोग हैं तो वो एक क्राउड नहीं है, पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। तो हमारा क्राउड क्या है, एक कलेक्शन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो हम उसे क्या कहते हैं, क्राउड। नाउ नेक्स्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर। हम फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो उन सब में क्या होता है, बहुत बड़ी टीम होती है। 12 प्लेयर्स की क्या होती है स्टूडेंट्स, टीम होती है। तो वो हमारे प्लेयर्स को हम क्या कहते हैं, टीम ऑफ प्लेयर। तो वो भी एक कलेक्शन है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर। तो टीम इज अवर कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट, अ बंच ऑफ कीज। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे कीज का एक बंच है, तो वो क्या हो गया, बंच ऑफ कीज। कीज का कलेक्शन क्या हो गया, बंच ऑफ कीज। तो अ बंच ऑफ कीज आर, बंच इज अवर कलेक्टिव नाउन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और घर पे भी आपको इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम आपको वर्कशीट में इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट वी कैन फील बट कांट सी एंड टच। जैसे कि हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, पर ना ही हम उसे फील कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, ना ही उस खुशी को हम टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही है। हमने नाउन के अलग अलग स्टेजेस तो पढ़े हैं, अलग अलग टाइप्स पढ़े, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या है, उसी तरह से सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ना ही उसे टच कर सकते। जैसे कि एयर है, तो एयर को हम फील कर सकते, एयर को एयर से हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हम उसे ना तो टच कर सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं। सिर्फ हवा किसी मूवमेंट पे हो रही है तो हम उसे सिर्फ फील कर सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू समथिंग वी कैन फील बट कांट सी फिजिकली और टच। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं और फिजिकली उसे ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते कि वो क्या है। जैसे कि एग्जांपल ब्यूटी, हमें नेचर की ब्यूटी कैसी लगती है, बहुत ही अच्छी। कोई लेडी है बहुत ही अच्छी से ड्रेसअप हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। जॉय, बहुत ज्यादा हम लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। सोरो मीन्स के सैड होना, दुखी होना। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, जो हम लोग सिर्फ उसे फील करते हैं, ना कि उसे देख सकते और ना ही टच कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पजेसिव नाउन। व्हाट इज पजेसिव नाउन? पजेसिव नाउन मीन्स एनी सिंगुलर नाउन विच मीन्स टू ओन समथिंग इज नोन एज
पजेसिव नाउन। अब पजेसिव नाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स और उसका मीनिंग लिखा है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। पजेसिव नाउन शो हु और व्हाट ओन्स समथिंग, मीन्स के जो भी पर्सन और उसके थिंग के रिलेटेड जो भी बात हो रही है उसको हमें किस तरह से ऐड करना है, एपोस्ट्रोफी एंड एस से। हियर सम रूल्स हियर रिटन, टू सिंगुलर नाउन्स ऐड एन एपोस्ट्रोफी एंड एस, मतलब जो भी सिंगुलर नाम दिए, सपोज के एक बॉय का नेम दिए उसके पीछे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी लाइक ऊपर का कॉमा अब कॉमा एंड एस, इसे हम क्या कहते हैं एपोस्ट्रोफी, एंड पीछे उसके पीछे एस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट रूल, टू प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस, मींस के प्लूरल नाउन को जैसे कि बॉयज एक है जिसके पीछे सिर्फ एस दिए है उसमें हमें सिर्फ क्या ऐड करना है एपोस्ट्रोफी, मींस एस के पीछे हमें सिर्फ ये कॉमा यूज करना है एपोस्ट्रोफी। थर्ड रूल, टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड ई एस, जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में पीछे एस नहीं लगता है बट इट्स अ प्लूरल नाउन, चिल्ड्रन क्या होता है बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं, पर चिल्ड्रन में हमारे पीछे एस नहीं लगता है तो हमें क्या ऐड करना है एपोस्ट्रोफी एंड एस, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा पजेसिव नाउन। नाउ लास्ट, व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन, जो एक से ज्यादा पर्सन के लिए बिलोंग हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे ऐड एपोस्ट्रोफी टू द लास्ट नाउन, मीन्स बॉय एंड गर्ल, तो दो पर्सन हो गए, दो पर्सन के बीच में हमने क्या यूज किया है जो लास्ट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है गर्ल तो गर्ल के पीछे हमने क्या ऐड किया एपोस्ट्रोफी ओनली। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और हम आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी इसकी बुक में करवाएंगे। थैंक यू।